सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग हैं अभी चौकली में। आज हिमालयन पीक्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, तो कुछ देर बाद हम निकलेंगे यहाँ से। जा रहे हैं आज पास में एक मंदिर है, नौलिंग देवता का मंदिर। तो फिलहाल हम लोग रात पर रुके थे गोदावरी गेस्ट हाउस चौकली में। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ फैसिलिटी है, एक बंदा है खुशहाल जो मतलब काफ़ी हेल्पफुल नेचर का है। और मॉर्निंग वाला 5 बजे भी चाहिए थे, 5 बजे चाय आपको मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ अभी प्राकृतिक नज़ारा है, पीछे से सनराइज होने वाला है यहाँ से, इन पहाड़ों से कुछ पीक्स यहाँ से दिखाई दे रही हैं। तो अगर कहीं और से दिखाई देंगे तो आपको वहाँ से वो पीक्स हम दिखाई देंगे धर्मगढ़ साइड से। तो यहाँ से हमको पहले जाना है कोटपनिया, कोटपनिया के बाद जाना धर्मगढ़। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, सामान हम लोग पैक कर रहे हैं, दिवस अभी नहा रहा है। तो जब नहा लेगा तो फिर उन्हें भजन में जाए, अंदर कॉपीराइट लगाता है, इसलिए मैं बाहर आके कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। देखिए कल मैंने जब टाइम लेस बनाया था तो उस वक्त मैंने वहाँ पर रखा हुआ था वो अपना गोप्रो। तो उस टाइम पे कल था बहुत ज़्यादा बकल, बहुत ज़्यादा बादल थे, तो उस वजह से सामने का व्यू दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखिए किस्मत होती है ना, नेक्स्ट दिन दिखाई दे रहा है। तो आज देखिए सनराइज कितना प्यारा हो रहा है इस गाँव से। यह है चौकली, हम रुके थे होटल गोदावरी पैलेस में। रूम एंड रेस्टोरेंट पार्किंग यहाँ पर भी अवेलेबल है पूरी। और यहाँ हमारे भाई साहब हैं, ये कहाँ गए, अंकित। तो ये इनकी रसोई है जहाँ मतलब आप खाना खाते हैं। एक भाई ये है, तो ऐसे मतलब सुबह सुबह गर्म पानी पीने को मिल जाता है, सब कुछ मतलब आसानी से उपलब्ध है यहाँ पे। तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, हमारा काम डिस्कशन देना है बस। तो ऐसा खूबसूरत रास्ता है पूरा ओक ट्री का, मतलब पूरा है बांस का जंगल जिसे बोलते हैं, पहाड़ी में बांस बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में ओक ट्री बोलते हैं। तो ये जंगल है बहुत खूबसूरत। तो भाई साहब साइकिल लेके उल्टी दिशा में चल रहे थे, उनको आशा नहीं थी कि कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मॉर्निंग में ठंडा इतना था कि लोग बहुत देर बाद निकलते हैं, मतलब उठ तो जाते हैं पहाड़ के लोग जल्दी, लेकिन मतलब ठंडा बाहर इतना है तो इतनी जल्दी कहाँ आदमी रेडी होकर निकलेगा। हम लोग करीब 7 बजे निकले चौकली से। सामने वाला हिमालयन व्यू बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, इस गोप्रो में दिखाया, कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इतना प्यारा व्यू है, आप मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। तो इधर हम लोग जा रहे हैं धर्मगढ़ पहले, फिर धर्मगढ़ के सनगाड़ वाला रास्ता। पहले हम आए थे चौकली से 3 किलोमीटर कोलपनिया, फिर उसके बाद वहाँ से 3 किलोमीटर है धर्मगढ़, तो यानी 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद इतने सनगाड़ की दूरी कितनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ब्लॉग का बनेगा ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग, मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में आपको, क्योंकि यहाँ जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत अद्भुत कहानी मैं आपको बताऊंगा जब हम मंदिर पहुँचेंगे। तो बिल्कुल आप स्टे ट्यून रहना मेरे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। तो हम लोग जा रहे हैं नौलिंग देवता के मंदिर में। देखो यहाँ से बाली घाट भी 68 किलोमीटर है, धर्मगढ़ 2 किलोमीटर, तो बाली घाट करके कोई प्लेस है तो वो भी यहाँ से आप जा सकते हैं। हम लोग पहुँच गए धर्मगढ़। तो धर्मगढ़ जाने के बाद हम लोग जाएंगे, ये भाई लोग जो खड़े थे इन्होंने रास्ता बताया, इसलिए हम पहले आगे आ गए थे यहाँ से, मतलब धर्मगढ़ से लेफ्ट, मतलब जैसे धर्मगढ़ स्टार्ट होता है वहाँ से हमको लेफ्ट करना टर्न करना था। तो भाई साहब ने वहाँ कोट बनिया बताया था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा था, तो हम लोग चले गए इधर को। उन्होंने वहाँ पर भी बोला कि बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड की ओर से आप आराम से निकलना, ये पालागढ़ क्षेत्र है तो यहाँ पर गाड़ी थोड़ी आराम से ही चलानी पड़ेगी भाई लोग को, क्योंकि अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो अभी इतना पाला यहाँ पर पड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल होगा तो फिर यहाँ पर सब चीज़ स्किड होने लगती है। अभी इतना ज़्यादा स्नोफॉल नहीं है तो अभी सफ़ेद रंग का पाला नहीं गिर रहा है। तो हम लोग जैसे धर्मगढ़ से नीचे आते हैं तो ये रोड जाती है बागेश्वर रीमा पचार। बागेश्वर 68 किलोमीटर है, रीमा 27 किलोमीटर है, सहकोट 11 किलोमीटर है, संगाड़ मंदिर के लिए 5 किलोमीटर को ऊपर की ओर को हमको टर्न मतलब जाना पड़ता है संगाड़ मंदिर के लिए। तो कुछ ऐसा यहाँ से आपको धर्मगढ़ से थोड़ा 2-3 किलोमीटर नीचे आके आपको ऐसा यहाँ पर बैंड मिलेगा जहाँ से आप जा सकते हैं संगाड़ मंदिर की ओर को। तो ये रास्ता मतलब थोड़ा है तो मतलब ऐसे तो बना हुआ है सही, लेकिन बहुत सुनसान रोड है, अकेले मतलब मोटरसाइकिल से आना तो बहुत दिक्कत आ रही है। रास्ते में इधर
पाला बहुत पड़ा हुआ है इस वाले रास्ते में, पाला पड़ा हुआ है क्योंकि हॉट मिक्स जो रोड होती है उसमें पाला गल जाता है, लेकिन जो पुरानी रोड होती है तो उसमें पाला है अभी भी। और पूरा सुनसान रास्ता है, आप देख ही रहे हैं, एक गाड़ी ना कोई ना आदमी दिखाई दे रहा है रास्ते पर। डायरेक्ट मंदिर पहुँचेंगे, 4 किलोमीटर भी बचा हुआ है। और यहाँ से वास्ती के बाद वहाँ से शिखर के लिए जहाँ मूल नारायण जी का मंदिर है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको मूल नारायण जी का मंदिर। वहाँ ट्रैक आपको वास्ती से करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ है, मुझे मेरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई किसी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो मेरे को बता देना कमेंट करके, क्योंकि तो फिर दोबारा कभी प्लान करेंगे। फिलहाल यहाँ से नीचे को हम लोग सनगाड़, मतलब हमको लगा कि सनगाड़ में मंदिर है इनका, नॉलिंग देवता का, लेकिन ऐसा नहीं है। सनगाड़ से भी हम लोग को करीब 4-5 किलोमीटर आ गए नीचे। और यहाँ की जो रोड की कंडीशन है थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे अड्ढे वाली रोड है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर को। यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पर संगाड़ में कोई मिले थे, मतलब कि इंटर कॉलेज है, वहीं पर ही आपको पूरा नॉलिंग देवता के मंदिर तक रोड जाएगी, ऐसा वो बोलते थे। तो देखते हैं कितना दूर बचा हुआ है। ये रोड यहीं पर आके हो गई है समाप्त, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है। देख लेता हूँ गाड़ी लॉक की नहीं की, सामान रखा हुआ था। तो यहाँ से बस अड्डा समझ लो आपसे नॉलिंग देवता का मंदिर का। नीचे वो भाई साहब ने बताया था एक इंटर कॉलेज है, तो वहीं मंदिर भी है नॉलिंग देवता का। तो यहाँ से अभी हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, क्या पता आगामी दिनों में यहाँ को भी रोड आने का प्रबंध हो जाए, क्योंकि रास्ता तो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है देख के लग रहा है, लेकिन इसमें गाड़ी उतारना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा पैदल रास्ता ही बन जाएगा तो ठीक ही है, इतना तो आदमी को पैदल चलना ही होता है। तो सामने है सनगाड़ गांव जैसे भी, और नीचे भी गांव है, ऐसा नहीं तो मंदिर नीचे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं उधर ही। सनगाड़ मतलब नीचे गाड़, मतलब यहां पर क्या होता है कि गधेरा जहां पानी के स्रोत होता है उसको बोलते हैं। तो यहां लंगूरों की बहुत ज़्यादा मात्रा में लंगूर है, मतलब जितने हमारे गाँव में बंदर है उससे ज़्यादा यहाँ लंगूर हैं। वो इंटर कॉलेज में तो पहले लंगूर बैठे हुए हैं, इतने लंगूर हमने मतलब 2-3 लंगूर ही देखे थे, लेकिन यहाँ इतने सारे लंगूर हैं भाई, पर लंगूरों का ही गांव है ये देखो। इंटर कॉलेज में जितने बच्चे नहीं होंगे उससे ज़्यादा लंगूर हैं, ऊपर लंगूर ही लंगूर बैठे हुए हैं चारों ओर। नीचे ये है मंदिर नॉलिंग देवता का। तो ये पूरा डाउन हम लोग क्रॉस करके आ गए हैं अभी, मतलब ऊपर को जाने में हालत खराब नहीं है, ये ऊपर को चढ़ाई पड़ेगी। और यह है मंदिर का प्रवेश द्वार, नॉलिंग देवता का मंदिर। तो यहाँ पे है राक्षस ताल, पहले हम लोग आए थे यहाँ पे हाथ और पांव धोने के लिए, कुंड यहाँ पे बना हुआ है। तो इस कुंड में क्या है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जमसान देवता ऐसा करना होता है, तो इसकी कहानी मैं आपको ऊपर जाके सुनाता हूँ। हर के सिंह खबीडेरा ने लिखा है सौजन्य से, यहाँ पे श्री 1008 नॉलिंग शक्ति स्थल कुंड में प्रवेश महिलाओं के लिए सख्त मना है। तो महिलाएं इस कुंड में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और ये सामने गांव है, यहाँ पे सुबह सुबह लोग देखो इतना मौसम ठंडा है, कंकड़ बना रहे हैं पत्थरों के। उधर भी ऐसे ही सब लोग लगे हुए हैं टेंट में काम कर रहे हैं, और उधर नींबू लगे हुए हैं पेड़ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े। तो हम आए थे पहले कुंड में, अब ये कुंड भी हुआ ना राक्षस ताल, ये कुंड राक्षस ताल हुआ, ये जो कुंड है। अच्छा, तो कई गांव की महिलाएं थी पूजा करके जा रही हैं। यहाँ जब मेला लगता है तो मेला इसी खेत पर लगता होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से एंट्री बहुत अच्छी आएगी मंदिर की, मेन जो एंट्री होती है वो याली म्यूज़िक लग रही है गांव वालों के लिए। तो मतलब यहाँ मौसम बहुत ठंडा है, हाथ पांव पूरे अकड़ गए हमारे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं मंदिर कितना खूबसूरत है। तो यह है पूरा मंदिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
यहाँ पे है धुनी मंदिर की। अंदर का मैं दिखाता नहीं हूँ, प्रोबिटर ऑर्बिटर वाला कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अंदर का मैं दिखाऊंगा नहीं, आप आके दर्शन करना, भगवान को कैप्चर करना सही नहीं लगता। तो ऐसा है कुछ मंदिर का प्रवेश परिवेश, मतलब अभी मैंने क्या गोप्रो से शूट किया था तो उसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये है मंदिर। क्या दिया था, कैसा लगा मंदिर? मंदिर में कोई पुजारी जी नहीं है, वो एक भाभी जी आई थी, वो भी पूजा करके गई हुई है दिया या जला के। तो ऐसा यहाँ का नज़ारा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इस मंदिर को बनने की स्टोरी वगैरह, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये है ना, ये सत्य घटनाओं पर आधारित चीज़ें होती हैं और हमको उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये मंदिर आप देखिए कितना भव्य और खूबसूरत है। तो ऋषि पपने जी के पुत्र मूल नारायण जी, जिनका पूरा भरण पोषण किया था उनकी बुआ माँ नंदा देवी ने, तो उनके जो दो पुत्र थे, एक थे नौलिंग देवता, एक थे बैजान देवता, तो उनको उन्होंने अपने उनका मतलब जो मंदिर है मूल नारायण, वो है यहाँ पे शिखर पे, शिखर के ऊपर टॉप में उनका मंदिर है। तो जब कभी शिखर जाएंगे तो वहाँ की स्टोरी आपको बताऊँगा, अभी सिर्फ हम बात करते हैं सिर्फ नौलिंग की। तो उनको सनगाड़ में प्रवेश दिया और भंडार में दिया आपका बैजान देवता को, तो दोनों भाइयों को शिखर से बिल्कुल बराबर बराबर दूरी में उनके पिता श्री मूल नारायण जी जो थे, उन्होंने अपने जगह पर स्थान दिया। तो नौलिंग देवता भगवान यहाँ आके विराजित हो गए, यहाँ के विराजित को उनका सनगार बहुत पसंद आया और यहाँ आके विराजित हो गए। उनका मंदिर यहाँ पे, यहाँ पे मेला भी लगता है जब नॉर्थ होते हैं, मतलब नॉर्थ मतलब जब दशहरा होता है। जो तो उस वक्त ये था, प्रभावित था सनगार गाँव पूरा, एक मसाण की वजह से पूरा का पूरा सनगार था बहुत प्रभावित। तो यहाँ लोगों की वो बलि लेने के बाद भी लोगों को मतलब मसान मार देता था और उनके जीव जंतुओं को भी खा जाता था। तो लगातार 8 दिनों तक दूदिल के वृक्ष में बैठकर नौलिंग भगवान ने माँ कालिका और चामुंडा इनकी आराधना करके शक्ति प्राप्त करके 9वें दिन उनको उनसे युद्ध करके उनको मार दिया मसान को। तो नीचे जो अभी हमने इससे पहले ताल देखा था जो राक्षस ताल बोलते हैं, तो उनको वहीं गाड़ दिया। तो बाद में उन्होंने बोला कि भैया मुझे आपको बलि देनी पड़ेगी साल में एक बार। तो वहाँ पर फिर यहाँ पर बकरियों की बलि स्टार्ट हो गई उस टाइम पे। तो बकरियों की जब बलि स्टार्ट हुई तो बाद में हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। तो अब यहाँ पर जो पशु बलि है वो पूरी हो गई है बैन। तो ऐसे नौलिंग देवता का ये मंदिर है, ये इष्ट देव हैं आपके बेरीनाग वालों के और आस पास गाँव वालों के और सब लोग की, मतलब अपनी श्रद्धा है। हम लोग भी आए हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ श्री नौलिंग देवाय नमो भगवान श्री 1008 नौलिंग जी के निर्माण कार्य पे लोगों ने जो पैसा दिया हुआ है उस पैसा। तो आप भी आइए, ज़्यादा दूर नहीं है, कभी आप आते हैं चौकड़ी बेरीनाग साइड में तो आप नौलिंग भगवान के दर्शन करके जरूर जाना। तो मेरे को बताना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, फिर से उत्तराखंड के किसी खूबसूरत प्लेस में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।